कोविड-19 लॉकडाउन से कई इंडस्ट्रीज, कई जरूरी चीज़ों को भी लॉस हुआ। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करें, वो जितना होते नहीं होते उसका बारे में ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड। उसमें एक खास करके और एक बड़ा सेक्टर जो डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में जिंदा रखते, वो सेक्टर को छोड़ दिया, वो है प्रेस, दोनों प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब कोविड-19 लॉकडाउन होने का बाद अखबारों का सेल में और टेलीविज़न मीडिया का एडवर्टाइजमेंट में बहुत नुकसान हुआ। उनको जो कस्टमर्स था बहुत कम आ रहे, उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो भी बहुत कम हुआ। कई बड़ा बड़ा अखबार जो इंस्टीट्यूशंस है बड़ा बड़ा, देश पे दूसरा लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल ऐसा चलाते, वो लोगों को भी इफेक्ट हुआ। अब डेमोक्रेसी जिंदा रखना बोले तो प्रेस जिंदा रहना, क्योंकि हमारा खास करके हिंदुस्तान में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वो कोई रहने दो, हिंदुस्तान रहने दो, USA रहने दो, इंग्लैंड रहने दो, कहाँ पे भी डेमोक्रेसी जिंदा रहते बोले तो वो प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते, बिकॉज दे आर द वॉइसेस ऑफ द कॉमन पीपल एंड द कॉमन सिटीजन्स ऑफ देयर ओन रेस्पेक्टिव कंट्रीज। उसको हम फोर्थ एस्टेट बोल के बोलते। अब ये लॉकडाउन होने से प्रेस वालों का बहुत सोर्स ऑफ अर्निंग कम हुआ, उसका असर कैसा पड़े बोले तो कई जर्नलिस्ट जो फुल टाइम जर्नलिस्ट था उनमें 25%, 30%, 40%, 50% तक भी सैलरी कट हुआ। जो उनका नेटवर्क था डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अखबार भेजता, उनका भी अब वेंडर्स नहीं है, कहाँ पे भी अखबार भेजना बहुत कम हुआ, उसका असर से। और एक तालुका में, छोटा छोटा गांव में स्ट्रिंजर पत्रकर्ता रहते, उसको सैलरी नहीं रहते, न्यूज़ जितना न्यूज़ भेजते वो कॉलम के हिसाब से उनको पैसे मिलने वाला है। अब ऑलरेडी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल पेपर्स दे आर रिड्यूस द नंबर ऑफ पेजेस। पहला 25-30 पेज प्रिंट करते बोले तो अब 12-14 पेज प्रिंट कर रहे, इसलिए स्पेस कम हुआ। इसका असर कैसा हुआ बोले तो कई रिपोर्टर्स जो स्ट्रिंजर है उनको महीने को 5,000-6,000 इसका उनका रिपोर्टिंग का ऊपर सैलरी मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनका भी बहुत कट हुआ। अब ये लोग बहुत इज्जतदार लोग है, दे आर ऑल्सो सर्विंग द सोसाइटी। हम जर्नलिज्म को, बिकॉज जर्नलिज्म को बिजनेस बोल के कोई नहीं माने हिंदुस्तान में, इट इज़ ए प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में एथिक्स रहते, रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, ऐसा अखबार वालों का पास भी और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का पास भी कुछ एथिक्स रहते। वो कम सैलरी में ज़िंदगी जीना उनको भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दूसरों का तकलीफ गवर्नमेंट तक पहुंचने का मशीनरी हमारा मीडिया है। अब उनका मुश्किल का कौन गवर्नमेंट तक पहुंचना, वो एक मुसीबत है। इसलिए मेरे को जहाँ तक जानकारी है, बिकॉज दे आर ऑल रेस्पेक्टेबल इज्जतदार लोग है, वो किसका सामने बोलने वाला नहीं है। हमारा जो वर्किंग क्लास है, लेबर्स है, वो है, मजदूर है, उनका तकलीफ हर आदमी को बोल सकते हैं, कहाँ पे भी क्यू पे ठहर के किट ले सकते वो ले सकते, लेकिन ये जो रेस्पेक्टेबल क्लास है उनका दे हैव टू सफ़र साइलेंटली, उसको इंग्लिश में बोलते हैं दे आर ऑलरेडी सफरिंग साइलेंटली। ये लोगों को खास करके मैं प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हुआ बोले तो येडियुरप्पा साहब को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये क्लास को नज़र में रखे। जो अक्रेडिटेशन कार्ड देते अब अखबार वालों को, रिपोर्टर्स को, नहीं तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स है, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको कुछ सैलरी पोर्शन में आप कंट्रीब्यूट करना, इफ़ नॉट 50% एटलीस्ट 30-40% ऑफ देयर सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका शुड मीट आउट देयर सैलरी बोले तो वो लोगों को फुल सैलरी दे सकते और अखबार चला सकते। ये बहुत ज़रूरत है, क्यों बोले तो डेमोक्रेसी में अखबार चले बोले तो भी वो हमारा, जैसा हम बोलते, वो ऑक्सीजन है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का ऑक्सीजन है मीडिया बोले तो, उसका रोल बहुत बड़ा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब रामनाथ गोयनका था, उन्होंने हिंदुस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त का रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर तक, वो उनका एक डर था
कौन सा स्कैंडल एक्सपोज करते वो करते बोल के, उन्होंने उतना ईमानदारी से एक ही स्क्वाड एज द फादर ऑफ प्रेस मीडिया इन इंडिया, उन्होंने उनका ऊपर करीबन मेरे को जहाँ तक जानकारी है 200 को ऊपर उनका ऊपर केस हुआ, कई इंक्वायरीज हुआ, लेकिन उन्होंने डरे नहीं, उन्हें एक्सपोज करे गवर्नमेंट का स्कैंडल और गवर्नमेंट को एक मैसेज दिया, वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल। इतना उससे डेमोक्रेसी को बहुत मजबूती हुआ। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी हैव यूज्ड द मीडिया फॉर ऑल शॉर्ट ऑफ देयर पब्लिसिटी एंड ऑल। अब उनका भी मुश्किल वक्त आया और वो लोग भी उसको कुछ नज़र में रखे, उनका देखभाल करना। और एक बात मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है बोले तो, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और छोटा मोटा पार्टी कभी एक मैक्स फिक्सिंग जैसा कभी अंडरस्टैंडिंग होके काम करना चाहते, उनका करप्शन उन्हों एक्सपोज नहीं करते, इनका करप्शन उन्हों एक्सपोज नहीं करते, लेकिन मीडिया प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया किसको भी नहीं छोड़ते, रूलिंग पार्टी को भी नहीं छोड़ते, अपोजिशन पार्टी को भी नहीं छोड़ते, छोटा मोटा इंडिविजुअल को भी नहीं छोड़ते। इसलिए मीडिया को जिंदा रखना, मीडिया को दबा के रखे तो डेमोक्रेसी को नुकसान होते। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस। और एक बात, गुलबर्गा लाइव का मैं तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना इश्यूज मैं रेज करे, खाली कई लोग क्या क्या कमेंट करते, बिकॉज सम पीपल आर ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ सर्टेन पीपल, इट डजेंट मैटर फॉर मी। गुलबर्गा लाइव में मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में एक बाइट दिया था, कई लोग उसका तारीफ भी करे, कई लोग ये होते नहीं होते बोल के बोले, लेकिन वो बाइट मैं कहाँ तक पहुँचे बोले तो ऊपर का अथॉरिटीज, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी सबको पहुँचने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर और अथॉरिटीज सब मिलके एक मीटिंग करके प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स का कुछ प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने को हम क्या सोचना बोल के मीटिंग हुआ। आरटीआई का पैसे रिलीज करना, उनका एडमिशन्स बंद करे था स्कूल का, एडमिशन चालू करे तो उनको कुछ इनकम मिलते, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ उसका। आई एम अवेटिंग द नेसेसरी ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और एक, हम परसों अलन तालुका में जाके कहीं अखबार में भी आया, गुलबर्गा लाइव में भी आया, कहीं न्यूज़ आया, वहाँ पे जो खेती बाड़ी करने वाला है, हार्टिकल्चर का जितना भी फार्मर्स है उनको वीकली मार्केट में उन्होंने बेचता था, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ बोल के। हम आके वो बाइट दे के और अखबार में आने के बाद इमीडिएटली हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गुलबर्गा हैज़ रेस्पॉन्डेड। आज अखबार में उन्होंने एक बयान दिया, अलन तालुका में जितना किसान लोग जो प्याज और टमाटो बैगन ऐसा ऐसा तरकारी ग्रो करके जितना लोगों को लॉस हुआ उनका पूरा डिटेल्स भेजना बोल के उन्होंने अखबार में एक खबर डाले। मैं क्यों बोल रहा है बोले तो, डेमोक्रेसी, लोगों का तकलीफ ऊपर तक पहुंचना हमारा फर्ज है, हमारा जिम्मेदारी है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उसको भी मदद करना पड़ता, क्योंकि मैं ये एक छोटा एग्जाम्पल दिया ऐसी। और एक बात बोलना चाहता हूँ, एक ज़माने में वहाँ का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, पहला वो एक बहुत मशहूर अखबार था, वो अखबार 3 बजे को छापता था, 3 बजे तक क्या तो स्कैंडल हुआ क्या बोल के देख के सो जाता था, उतना डर था। इसलिए ये जो मैं इश्यू रेज करे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं छोटा आदमी है ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अदर कंसर्न पीपल शुड पिक अप दिस इश्यू एंड सी दैट इट रीचेस टू द टॉप अथॉरिटीज एंड द मीडिया, प्रेस पीपल, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, एवरीबडी शुड गेट सर्टेन कंपेंसेशन। मैं क्या बोल रहा है बोले तो, दे गवर्नमेंट शुड शेयर ए पोर्शन ऑफ द सैलरी ऑफ द प्रेस पीपल इन दिस क्रिटिकल पोजिशन।